दोस्तों कल आप लोगों का एग्जाम है ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम 2019 का जो क्वेश्चन पेपर था बीपीयूटी का वो हमने सॉल्व कर लिए थे सिक्स मार्क्स के सिक्सटीन मार्क्स के क्वेश्चन भी किए थे टू मार्क्स के सारे क्वेश्चन किए थे अब 2021 का जो बीपीयूटी का मैथ्स थ्री का क्वेश्चन पेपर था वो भी हमने टू मार्क्स के सारे क्वेश्चन कर लिए हैं और ये और सिक्स मार्क्स के क्वेश्चन का ये लास्ट क्वेश्चन है जिसमें दिया हुआ है कि एक एक्स डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है और जिसकी प्रॉबलिटी मास फंक्शन यहां पर दे रखी है जिसमें एक वैल्यू आ रही है वेरिएबल ठीटा जिसकी वैल्यू जीरो से वन तक बताई जा रही है ये पैरामीटर है और टेन इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशन लिए हैं कौन कौन से ऑब्जर्वेशन कि पहले ट्रायल में थ्री आ रहा है दूसरे ट्रायल में जीरो आ रहा है तीसरे ट्रायल में टू आ रहा है चौथे ट्रायल में वन आ रहा है एंड सो वन इस तरीके से टोटल टेन इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशन लिए हैं और इनकी हेल्प से मुझे बताना है कि मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेट ऑफ थीटा क्या होगा सो so, सिंपल सी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस तरह के क्वेश्चन यूजुअली आ जाते हैं मैक्सिमम लाइक्लीहुड पे तो इसमें कुछ सर्टेन स्टेप्स है वो हम फॉलो करेंगे स्टेप क्या है पहला स्टेप है कि फॉर्म लाइवलीहुड ऑफ पैरामीटर थीटा मतलब एल थीटा मुझे निकालना है दूसरा स्टेप है कि हमें इस एल थीटा पे लॉग अप्लाई कर देंगे तो

आ, फिर इसी इक्वेशन की हेल्प से थीटा की जो वैल्यू निकालेंगे वही वैल्यू हमारा क्या होगा मैक्सिमम लाइकलीहुड एस्टिमेट ऑफ थीटा तो चलो ये सारे स्टेप्स इस क्वेश्चन पे फॉलो करते हैं हां जी तो गिवन ऑब्जर्वेशन जो है वो ये है अपने पास तो मुझे सबसे पहला स्टेप है कि मुझे निकालना है लाइकलीहुड ऑफ पैरामीटर थीटा तो टेन इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो इसी वजह से सभी इंडिपेंडेंट जो इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज़ है वो यहां पे आप देख रहे हो कि मल्टीप्लाई हो रही है सो so, पहला जो ऑब्जर्वेशन है उसमें थ्री एक्स इक्वल टू थ्री है दूसरे ऑब्जर्वेशन में एक्स इक्वल टू जीरो है तीसरे ऑब्जर्वेशन में एक्स इक्वल टू टू है चौथे ऑब्जर्वेशन में एक्स इक्वल टू वन है एंड सो ऑन इस इन सभी का मैंने क्या ले लिया है क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सिकल टू थ्री प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्ल टू जीरोक्वल टू टू प्रोबर्टीक्वल टू टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सक्ल टू वन प्रोबर्टी ऑफ एक्स इक्ल टू जीरो प्रोबर्टी ऑफ एक्स इक्वल टू टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सिकल टू वन तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो ये सारे मल्टीप्लाई हो गए तो ये आपको क्या बना के देगा लाइकलीहुड ऑफ पैरामीटर थीटा ठीक है तो प्रॉबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू थ्री क्या है देखो ये थ्री इसकी प्रॉबिलिटी क्या है प्रॉबर्टी टू थ्री इज वन माइनस टू जीरो क्या है प्रोबर्टी ऑफ एक्सरोक्स इक्ल टू टू क्या है प्रॉबर्टी ऑफ एक्स इक्वल टू टू है प्रॉबर्टी ऑफ एक्स इक्वल टू वन क्या है थीटा बाय थ्री इसी तरीके से सभी प्रोबेबिलिटीज मैंने यहाँ पे लिखती हैं इनको जस्ट मल्टीप्लाई करके एक फाइनल जो रिजल्ट आएगा वही हमारा क्या होगा लाइकलीहुड ऑफ पैरामीटर थीटा सेकेंड स्टेप क्या करना था इस एल थीटा पे लॉग अप्लाई करना था जो कि बन जाएगा हमारा लॉग लाइकलीहुड फंक्शन सो लॉग लाइकलीहुड फंक्शन के लिए स्मॉल एल थीटा इक्वल टू लॉग ऑफ एल थीटा लॉग ऑफ एल कैपिटल एल थीटा ये है आपके पास सो so आपको पता है क्या पता है कि लॉग ऑफ ए बी क्या होता है भाई लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी यही होता है ना और लॉग ऑफ ए रेस्टू पावर बी ये क्या होता है बताओ दैट इज बी लॉग ऑफ ए सो ये जो दो फॉर्मूले हैं ये मुझे यहां पे अप्लाई करना है तो देखो यहां पर मल्टीप्लाई है ये ए बी सी डी चार टर्म्स है सपोज ऐसे लॉग ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाई सी मल्टीप्लाई बाय डी तो ये क्या आ जाएगा लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ पी प्लस लॉग ऑफ सी प्लस लॉग ऑफ टी इस तरीके से आएगा ठीक है फिर इसके बाद हम लोग यही जो फॉर्मूला था लॉग ऑफ लॉग ऑफ ए रेस्ट टू दावर बी इक्वल टू बी लॉग ए ये अप्लाई कर देंगे ठीक है और लॉग ऑफ ए बाई बी क्या होता है बताओ लॉग ऑफ ए बाई बी इज लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी है ना तो यही सारे फॉर्मूले यहां पर ए, अप्लाई करेंगे और इससे हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा ये रहा, देखो यहां पे, सो लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी प्लस लॉग ऑफ सी प्लस लॉग ऑफ डी तो यहां रहा प्लस 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 ठीक है उसके बाद ये टू पावर बी है तो ट्वाइस ऑफ लॉग ऑफ दिस टर्म सो टॉग ऑफ 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 दिस टर्म फिर लॉग ऑफ ए बाई बी है तो लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी ठीक है तो आई होप ये तो बच्चों वाली चीज है आप लोगों को अच्छे से समझ आ रही होगी सो तो लॉग ऑफ इस पे अप्लाई करेंगे तो टू मल्टीप्लाई हो जाएगा फिर लॉग ऑफ टू बाई थ्री मल्टीप्लाई बाई लौ, प्लस लॉग ऑफ थीटा ठीक है उसी तरह लॉग ऑफ टू बाई थ्री माइनस लॉग ऑफ लॉग ऑफ टू बाई थ्री ले लो माइनस सॉरी प्लस लॉग ऑफ वन माइनस थीटा ठीक है सिमिलरली थ्री इंटू लॉग ऑफ थीटा माइनस लॉग ऑफ थ्री यहां तक तो ओके है तो ये हमारा बन गया है लॉग लाइवलीहुड फंक्शन ठीक है अब लॉग लाइवलीहुड फंक्शन को बनने के बाद क्या करना पड़ता है स्टेप टू तो कंप्लीट हो गया स्टेप थ्री में क्या करना पड़ेगा इसी लॉग को uh, डिफरेंशियट करना है विद रेस्पेक्ट टू थीटा और इसको इक्वेट क्या कर देना जीरो ठीक है तो सिंपल सी कहानी है सो थर्ड स्टेप में मैक्सिमम लाइकलीहुड बताने के लिए मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा एल थीटा को मतलब इसको विद रेस्पेक्ट टू थीटा और इक्वेट करना जीरो तो पहले एल डिफरेंशिएशन ऑफ एल थीटा विद रेस्पेक्ट टू थीटा निकाल लेंगे तो इसमें देखो डिफरेंशिएट करेंगे इसको तो तो ये ये कांस्टेंट तो है तो इसका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा जीरो हो जाएगा ये भी कांस्टेंट है इसका भी डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू जीरो हो जाएगा ये भी जीरो हो जाएगा और यहां पे ये भी जीरो हो जाएगा तो यहां से क्या होगा लॉग डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्या होता है विद रेस्पेक्ट टू एक्स बताओ दैट इज वन बाई है ना तो लॉग ऑफ टू इन टू डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग ऑफ वन माइनस वो क्या आ जाएगा वन अपॉन वन माइनस और माइनस का फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे वो आ जाएगा माइनस टू माइनस वन सो माइनस टू अपॉन वन माइनसेंशिएशन हो गया अगले टर्म का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये तो जीरो ही हो जाएगा टू इंटू लॉग ऑफ थीटा का डिफरेंशिएशन वन बाई ठीटा ठीक है तो टू बाई ठीटा हो गया नेक्स्ट यहां पे लॉग ऑफ वन अगेन थ्री इंटू लॉग ऑफ वन माइनस थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वन अपॉन वन माइनस थीटा फिर माइनस थीटा का माइनस वन सो माइनस वन अपॉन इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग ऑफ वन माइनस थीटा तो वो आपका आ जाएगा वन अपॉन वन माइनस थीटा फिर डिफरेंशिएशन ऑफ वन माइनस थीटा विद रेस्पेक्ट टू टीटा यह आएगा ना तो वो आ जाएगा माइनस वन सो माइनस वन अपॉन वन माइनस टीटा यह आ जाएगा

सो इसका एल्सियम लेते ही आपके पास थीटा की वैल्यू क्या आ रही है वन बाय टू तो यही हमारा मैक्सिमम लाइवलीहुड एस्टिमेट वैल्यू है किसकी थीटा की सो so, थीटा इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे वन बाय टू खत्म